हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह, अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की न्यूज़ को जो कि अपडेटेड हैं आज तक, जो कि आपसे रिलेट करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं से उससे इफेक्टेड होंगे अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को तभी सुन रहे होंगे जब आप इससे रिलेट करते होंगे, या तो आने जाने की खबरें सुनने में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप कहीं फंसे हुए हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके काम की है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या गल्फ कंट्रीज़ हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, या आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपसे ये भी क्लियर करेंगे कि आप अपने जो मान लीजिए कोई टिकट वगैरह करते हैं तो वो पैसे वेस्ट ना हो और आप किसी तरह से किसी को गलत पैसा ना दें, ठीक है। मैं ये आपसे डिस्कस करूँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए एक न्यूज़ है कि जो एयर बबल चल रहा है, जैसा आपके पता है कि आपको पहले से ही न्यूज़ होगी कि सारी जो फ़्लाइट्स हैं ऑलमोस्ट चल चुकी हैं, मेन कंट्रीज़ की चल चुकी हैं। लेकिन देखिए, अगर ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो कनाडा, कतार, ओमान, यूएई, सिंगापुर, यूके, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरबिया, बहरीन, न्यूजीलैंड और फिलीपींस, दोस्तों इसमें से काफ़ी देशों की ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, किसी पर बात चल रही है और कहीं कहीं पर अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे मैं आपको क्लियर करूंगा, जैसे हांगकांग से अभी शुरुआत नहीं है दोस्तों। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं फ्रांस से। तो 29 जुलाई से स्टार्टिंग हो चुकी है इनकी फ़्लाइट्स की बुकिंग को लेके। आप देखिए, पेरिस की फ़्लाइट्स हैं ये वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, 3 दिन तक चलेंगी दोस्तों। ये कंटिन्यू फ़्लाइट्स हैं 7 तारीख से लेके 15 अगस्त तक, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, इनके बीच में काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं तो आप बुक कर सकते हैं, टिकट प्राइस भी कम है और अभी सीट्स भी हैं दोस्तों। तो अगर आपको पता होगा तो VBM की जो फ़्लाइट्स चल रही हैं, और आप अगर आपके कोई जानने वाला या पहचानने वाला अभी फ़्लाइट्स में ट्रैवल कर रहा है तो आपको ज़रूर बताएगा कि फ़्लाइट्स है ना अभी खाली तो नहीं, लेकिन 60-70% फुल हो रही है बस, तो काफ़ी सीट्स खाली भी रहती हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे यूके का देखिए, अगर आप दिल्ली, लंदन, दिल्ली देखेंगे तो 9 से 30 अगस्त तक है, 5 से 26 तक है, बेंगलुरु से है 11 अगस्त को, और लंदन से बेंगलुरु है 9 अगस्त को संडे। तो दोस्तों, ये भी आप आज से बुक कर सकते हैं, ये न्यूज़ आपके लिए है अभी के लिए कि आप आज से बुक कर सकते हैं, बुकिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज 31st है, ठीक है दोस्तों। इंडिया से USA के लिए दिल्ली, शिकागो, दिल्ली देखिए 9, 16, 23, 30, ठीक है, ये भी बुकिंग आज से स्टार्ट है। तो बुकिंग देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 31 जुलाई तक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये भी है USA की, तो आप इसको भी इस पेज को भी आप पॉज करके चेक करके देख सकते हैं। एक वीक में 3 बार फ्लाइट्स हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें नीचे लिखा हुआ है बुकिंग ऑफिस से कर सकते हैं या ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि, तो ये न्यूज़ उनके लिए है दोस्तों, क्योंकि मेलबोर्न से, एडिलेड से, सिडनी से फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं, 3rd और 6th अगस्त को है, पॉज करके आप और भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस से करिए या ऑथराइज ट्रेवल एजेंट से करिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग दोस्तों, मतलब मुझे हंसी आती है कि काफ़ी मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव रहते हैं और मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ मतलब या तो कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते किसी भी चीज़ में, बस देखा और कोई भी मैसेज देके चले गए। तो ऐसे लोग ना ही देखें वीडियो तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ट्रैवल एजेंट की बात क्यों कर रहे हो। मैडम, मैं ये मैडम या सर सॉरी, ये ट्रैवल एजेंट की बात मैं नहीं कर रहा, देखिए एयर इंडिया कर रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है कि सोल्ड आउट ऑलरेडी फ़्लाइट दिखा चुके हैं, तो ये जो उनका जो सिस्टम है वहाँ पे उन्होंने लैग किया था, सिस्टम लैग किया था हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो उन्होंने इसीलिए बोला हुआ है कि या तो आप ट्रैवल जो एजेंट है उससे करा लीजिए या बुकिंग ऑफिस से करा लीजिए। मैं नहीं बोल रहा, देखिए इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रैवल एजेंट अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है तो उसको मत दीजिए, और आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये है gmsm@airindia.in। तो मैम या सर, जो भी है, आप जो भी सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये जो एयर इंडिया के बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हरदीप जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे किसी एजेंट से कॉल कराइए या किसी से कराइए, ये आपके घर के पास जो ऑथराइज है आप उससे कराइए, लेकिन अपने पैसे बचाइए आप, ठीक है। मैंने आपके पैसे बचाने के लिए बात की थी, ये नहीं बोला था कि आप कहीं से
कुछ और मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले आप सुनिए तरीके से, ठीक है ना, क्या क्या न्यूज़ चल रही है, फिर मैसेज करिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह के मैसेजेस की। क्योंकि मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो सारे मैसेजेस का पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी 50-60% कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं हो पाते तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्लीज़ पहले तो एक बार पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए, ये गवर्नमेंट ने ही बोला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 72% एक सर्वे में जो 72% लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि सिनेमाज रीओपन हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलें। इनकी जो नंबर्स आए वो है 63% दोस्तों, जो कि एक ही ख़तरनाक स्थिति है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं। अगर ऐसा होता है और सर्वे के बाद अगर इनकी बात मान ली जाती है तो हो सकता है कि जो फैसला आए वो इन लोगों के हक़ में आ जाए जो 63% या 72% हैं, और ये आगे लॉकडाउन की वजह से फिर फ़्लाइट्स रुक जाएं फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है क्योंकि 40-50 हज़ार केस डेली आ रहे हैं और कुछ लोगों की जो डेथ्स भी हो रही हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगली न्यूज़ है टर्की से। टर्की से इंडिया की फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं 1 अगस्त से, और उनकी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। और टर्की केवल इंडिया के लिए नहीं, 3 और देशों के लिए स्टार्ट कर रहा है, रशिया, कुवैत और साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें इनकी जो साइट है इन्होंने बताया है, इनके जो लोकल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इस तरह से चलाया जाएगा। और जो सारे रूल्स जो अभी सारे देश कर रहे हैं, जैसे यूएई के अंदर है, दूसरे देश भी कर रहे हैं, कोविड-19 का जो नेगेटिव रिज़ल्ट है PCR टेस्ट का, वो यहाँ पर भी चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो देश हैं अभी PCR टेस्ट को अनिवार्य कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे, तो वहाँ पर वो चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी खबर यूएई की देख लेते हैं। देखिए यूएई और इंडिया के बीच में भी 15 तारीख तक फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आराम से टिकट बुक कर लेंगे और चले जाएंगे, तो दोस्तों पहले ये देख लीजिए इमिडिएटली कि उस लिस्ट में आपके लिए इन 15 दिन में कितनी फ़्लाइट्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो फ़्लाइट शायद एक ही दिन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अमृतसर के लिए केवल एक फ़्लाइट है, बेंगलोर के लिए केवल 2 या 3 फ़्लाइट है, तो आप ये मत सोचिए कि 15 दिन लगातार चल रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं कि मैं 1-2 दिन बाद करा लूँगा, तो ऐसा मत करिए, प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फिलीपींस के लोगों के लिए कि मनीला से लॉस एंजलिस और मनीला से काफ़ी जगह के लिए फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से स्टार्ट होगी, कब होगी, तो दोस्तों फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। वहाँ पर भी यही रूल बताया है कि कोविड-19 का जो टेस्ट होगा नेगेटिव रिज़ल्ट आना चाहिए 72 आवर्स के पीछे डिपार्चर के, तो वो भी रिक्वायर्ड होगा और वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है जहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं, तो 3-4 लिस्ट के मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो देखिए ये काफ़ी है, जकार्ता, मनीला, बैंकॉक, और देखिए एक न्यूज़ और है कि जापान के जो टोक्यो है वहाँ से भी फिलीपींस के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। वो भी यही रूल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोविड-19 का रिज़ल्ट विद इन 72 आवर्स, तो ये मैंडेटरी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ अब इसको अपना चुके हैं दोस्तों। तो जापान के टोक्यो से भी देखिए सियोल, सिंगापुर, ताइपे, टोक्यो एंड ओसाका, इनके बीच में फ़्लाइट्स स्टार्ट होंगी दोस्तों। बस लिस्ट आने की देर है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह की लिस्ट में किस किस डेट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। इन्होंने ये क्लियर किया है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। इट विल बी फ्लाइंग ट्वाइस वीकली फ्रॉम टोक्यो टू मनीला, वेडनेसडे एंड सैटरडे ऑन अगस्त 6। द बजटेड एयरलाइन विल बी फ्लाइंग 2 times वीकली, थर्सडे एंड सैटरडे बिटवीन मनीला एंड सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पॉज करके फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, और ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि फंसे हुए थे वहाँ पर दोस्तों। अब देखिए डोमेस्टिक में एक न्यूज़ ले लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट की, ये भी बहुत है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं वही पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये 15 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया है, कुछ जो 6 सिटीज़ थे उनके बीच में, तो उन्होंने 5th, 8th, 16th, 17th, तो काफ़ी डेट्स दी हैं जिसमें कि इफ़ेक्टेड होंगी।
तो दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आप ट्रैवल एजेंट जो ऑथराइज्ड हैं, जो इनके या तो एयर इंडिया के ऑफिस में जाइए या ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, ये आपसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी की जेब में पैसा जाता है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये आपसे भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो जो मैंने आईडी दी है वहाँ पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले वीडियो को पूरा देख के ही फैसला कीजिए करिए कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहें। जिस तरह से देखिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए आज की अच्छी बात है, और 31 तारीख से काफ़ी सारी फ्लाइट्स बुकिंग स्टार्ट हैं, तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, देर मत कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर एक बार पैसे कट जाते हैं तो उसको थोड़ा सा वेट करिए, ऐसा ना हो कि पैसे एक बार कट गए हैं दूसरी टिकट में भी आपके पैसे दोबारा कट जाएँ दोस्तों। तो वो गलती मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ बार बार। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।